हेलो दोस्तों, मैं मनीषा यादव, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग बेस, जो हमारा, जैसे कि मैंने पिछले उसमें मेथड्स में बताया था कि हम मॉडलिंग करने के हम लोग तीन मेथड्स लेके आए थे। स्टैड के अंदर बेसिकली थ्री मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन उसके बाद स्नैपशॉट व्यू मेथड, देन उसके बाद आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड। पहले दो हम लोग पढ़ चुके हैं, देन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम लोग एक फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे। अब फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने आपको फर्स्ट मेथड से भी बताया, सेकंड से भी बताया, एंड देन हम लोग थर्ड मेथड के थ्रू भी कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आप इसके अंदर डिजाइन करने वाले हो, कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे मॉडल करने वाले हो, तो उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होने वाला है। कोई स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा जिसमें तीनों की हेल्प से वो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ सिंगल एक ही मेथड से बन जाए, है ना। तो सारे के सारे मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए कि किस मेथड में किस तरीके से काम हो रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी फ्रेम स्ट्रक्चर का मॉडलिंग इन स्टैड.प्रो। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, ये है आपकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रीन स्टैड.प्रो की। हम लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का नाम डाला, जो भी मुझे यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे बनाना है फ्रेम वन नाम से, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है, जिस भी फॉर्मेट में आपको यूनिट्स चाहिए और फोर्स की यूनिट्स चाहिए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मीटर और किलो न्यूटन सेट किया हुआ है। द नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है। एड बीम में होता है कि आपको डायरेक्ट अपने बीम फॉर्मेट के, जैसे मुझे कि हम बीम ऐड कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में मुझे अपना पेज ओपन करना है। अगर मुझे कोई प्लेट ऐड करनी, तो साथ साथ पढ़ेंगे कि प्लेट्स में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करने हैं, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। जैसा कि मैंने रन स्ट्रक्चर विजार्ड से कहा, आप डायरेक्ट जो स्क्रीन आती है रन स्ट्रक्चर विजार्ड की, नेक्स्ट मेथड की, वो यहां से भी आ सकती है। आप डायरेक्ट जैसे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने फिनिश किया, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी, जस्ट लाइक दैट। इसके अंदर क्या होता है, आपके कुछ प्री डिफाइंड कुछ मॉडलिंग के जो स्ट्रक्चर फ्रेम्स होते हैं, वो फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेदर इट इज़ फॉर ट्रश, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रश फ्रेम भी हो सकता है आपका, कोई आपका फ्रेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लाइक दिस तरीके से कि मुझे जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है, और फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है अगर मुझे रेक्टेंगुलर बनाना हो, तो मुझे सिर्फ ग्रिड फ्रेम बनाना हो, तो मुझे सिर्फ फ्लोर ग्रिड बनानी हो, तो किस तरीके से आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना डबल, तो उसमें आपका सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, दिस वन, तो इसके ऊपर हम लोगों को क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चाहिए डिस्टेंसेस एंड जेड एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस में एज पर प्रॉपर दिस मीटर के अंदर जो हमने डायमेंशंस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा लाइक दिस, लाइक दिस, कि इसके अंदर क्या करना होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी टोटल डिस्टेंस काउंट कर ली, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 22 मीटर बनता है, और इधर जो मैं जेड डायरेक्शन में ऐड करती हूँ तो 13 मीटर बनता है। तो मुझे यहाँ पे वो टोटल जो मुझे डिस्टेंस है वही बतानी होती है कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर जैसे वो यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने फ्रेम स्ट्रक्चर पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे मुझे लेंथ बतानी है। तो आप डायरेक्ट, एक तो इस पूरे के पूरे विजार्ड में आने का मेथड एक तो है कि आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड कर दो, एक दूसरा और तरीका है यहाँ पे आने का कि ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे, ज्योमेट्री मेन्यू में, और यहाँ पे भी होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी वही स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे प्री डिफाइंड शेप्स है, जैसे यहाँ पे होगी ऑब्वियसली, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कूलिंग टावर है, तो इस तरीके की कुछ ऐसी मॉडलिंग कॉन्सेप्ट जो बनाने में हम मॉडल तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उनको बनाने में काफ़ी सारा टाइम खर्च होने वाला है। तो हम डायरेक्ट इनका साइज डाल के, ऐसे अगर कोई आपको स्ट्रक्चर्स बनाने, जैसे सिलेंड्रिकल शेप हो गई है ना, तो इनको आप डायरेक्ट यहाँ पे साइज डालो और बनाइए। जैसे यहाँ पे इसका स्टार्ट एंगल क्या है, इसका एंड एंगल क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाने वाले हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ बताई कि भाई लेंथ तो मुझे 22 चाहिए और मुझे इसकी हाइट जो चाहिए वो नाइन चाहिए, नाइन, और यहाँ पे मुझे विड्थ चाहिए, विड्थ मेरी है 13, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि
कि लेंथ विड्थ और हाइट आपको कितनी कितनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि कितने नंबर ऑफ बेज थे, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ बेज देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, देन 4 सेंटीमीटर है, देन 6 है, देन 4 है, देन 4 है। इस तरीके से आप एक्स प्लेन में देख सकते हैं और जेड प्लेन में भी 4 है, देन 5 है, देन 4 है। तो ये डिस्टेंसेस आपको डालनी पड़ेगी, कितने एक्स एक्सिस में है आपके 5 स्लॉट्स में कट और जेड एक्सिस में आपके 3 स्लॉट्स में कट। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है कि मुझे यहाँ पे 5 स्लॉट्स में कट करना है और यहाँ पे मुझे 3 स्लॉट्स में कट करना है, और हाइट में भी आपका 3 स्लॉट्स में है, हाइट में एलिवेशन में जैसे आप देख सकते हो एलिवेशन में भी आपका 333 है, तो यहाँ पे भी आपका 3 स्लॉट्स में कट है। अब वो डिस्टेंसेस डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में था हमारा 4 डिस्टेंस थी, 4 6 4 4 एंड ओके। नाउ अब अगले स्टेप पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे हाइट में मुझे 3 मीटर चाहिए था तो यहाँ पे ओके है, देन अगर मुझे विड्थ के अंदर बदलना है तो यहाँ पे मुझे अपनी डिस्टेंसेस बदलनी पड़ती है, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 5 एंड देन यहाँ पे 4 एंड ओके। एंड जैसे ही मैंने अप्लाई किया वो फ्रेम स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आपने इसमें बताया हुआ है, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर आपकी लेंथ के हिसाब से, प्रॉपर आपकी विड्थ के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला था जेड एक्सिस में 4 मीटर, देन 5 मीटर, देन 4 मीटर, इसी तरीके से मैंने इसमें डाला था 5 स्लॉट्स के अंदर, और इसी तरीके से मैंने वाई एक्सिस के अंदर डाला। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये बना तो लिया है, अब मुझे बस उसके अंदर लेके जाना है। तो लेके किस तरीके से जाएंगे, जैसे ही मैं इसके क्रॉस पॉइंट पे क्लिक करती हूँ तो मुझसे कहता है कि वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू द स्टैड प्रो, कि आप स्टैड प्रो में लेके जाना चाहते हो। यस, मुझे लेके जाना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बताइए किस कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको प्लेस करवाना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मुझे x = 0 मतलब 0,0,0 ओरिजिन के ऊपर प्लेस करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो। अदरवाइज आपको किसी डिस्टेंस पे चाहिए तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। मैं 0,0,0 पे लेके आना चाहती हूँ, मैंने इसको ओके कर दिया, जस्ट लाइक दैट, कि आपने सिर्फ डिस्टेंस बताया और यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो गया। उनमें हम लोग जैसे प्रॉपर नोड्स के साथ काम कर रहे थे, अब इसमें हम लोग प्रॉपर एक तरीके से डायरेक्ट डिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो इस तरीके से रेडी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट दिस फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये था आपका लास्ट मॉडलिंग का मेथड, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर स्टैट प्रो में बना सकते हैं। तो इन तीनों मेथड्स के थ्रू ही हम लोग इसमें काम करेंगे स्टैट प्रो के अंदर। तो आगे अगर आप को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आगे का कंसेप्ट आपको जानना है, देन लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।